स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तोगी आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं करंट अफेयर्स सितंबर 2020, और यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आपको सेकंड वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। और जो कैंडिडेट नए हों हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो शेयर करें। तो इसमें शुरुआत करें आपके सामने, तो आपके सामने पॉइंट नंबर एक लिखा है, QS ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है। और इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का जो शीर्ष संस्थान आया है पूरे वर्ल्ड में, वह आया है आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, और यह पूरे वर्ल्ड में 32वें नंबर पे आया है। और इससे पहले हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उसमें आपको बताया गया था कि QS ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पहले नंबर पे MIT है, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके बाद पॉइंट है आपका मोक्ष कलश योजना 2020 अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी, और यह लॉन्च की गई है राजस्थान राज्य के द्वारा, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, अशोक गहलोत। इस बात का भी आप ध्यान रखें, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोक्ष कलश योजना 2020 को लॉन्च किया है, और किस राज्य में, राजस्थान राज्य में। और इसके बाद पॉइंट है आपका 26 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है। और इस समय जो हैं UNO के महासचिव जो हैं उनका नाम है एंटोनियो गुतेरस, और ये है पुर्तगाल देश के हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इन सभी पॉइंटों को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि QS ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष संस्थान भारत की ओर से आया है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। और इसके बाद पॉइंट है मोक्ष कलश योजना 2020 में लॉन्च की गई है राजस्थान राज्य के द्वारा, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इसके बाद पॉइंट है 26 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है, और UNO के वर्तमान महासचिव का नाम है एंटोनियो गुतेरस। तो ये सभी पॉइंट आपके करंट अफेयर्स के PCS RO ARO NTPC और रेलवे लेखपाल भर्ती सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, और इसके बाद आपको इसी चैनल के माध्यम से सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट। तो आपके सामने लिखा हुआ है टोक्यो ओलंपिक, और इसमें डैश लगा के लिखा हुआ है कि 25 मार्च 2021 में शुरू, यानी कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में कैंसिल हो गए थे, यानी कि 2020 में नहीं हुए हैं, यह आपके 2021 में होंगे। और इसकी डेट क्या है, 25 मार्च। और इसी का नीचे पॉइंट लिखा हुआ है मशाल रिले की शुरुआत जापान के फुकुशिमा प्रायद्वीप के ब्लेन ट्रेनिंग सेंटर से की जाएगी, ये भी आप ध्यान रखें। और इसके बाद पॉइंट है विश्व समुद्री दिवस, यानी कि 2020 में विश्व समुद्री दिवस मनाया गया था
24 सितंबर को, और इसकी थीम क्या है, सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। ये 2020 में विश्व समुद्र दिवस की थीम है, यानी कि सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। और इसके बाद पॉइंट है, फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी अभी हाल ही में, यानी कि 29 अगस्त 2020 को, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और ये किसकी याद में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखने हैं आपको, सभी पॉइंट आपके मोशनमेंट हैं। इन सभी पॉइंटों को एक बार रिपीट कर लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक 25 मार्च 2021 में शुरू हो जाएंगे। इसमें लिखा है आगे, मशाल रिले की शुरुआत जापान के फुकुशिमा प्रायद्वीप के ब्लेंड ट्रेनिंग सेंटर से की जाएगी। और इसके बाद पॉइंट है, विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर 2020 को मनाया गया था, और इसकी थीम है आपकी सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। और इसके बाद पॉइंट है, फिट इंडिया अभियान की शुरुआत 29 अगस्त 2020 को की गई थी, और इसकी शुरुआत यानी कि फिट इंडिया अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय खेल दिवस पर की गई थी। तो ये सभी पॉइंट आपके वेरी वेरी मोशनमेंट हैं। और इसी चैनल के माध्यम से मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि आपको परीक्षा में सफलता मिल सके, और इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट। तो आपके सामने लिखा हुआ है, विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर 2020 को मनाया गया, और इसी में नीचे लिखा हुआ है, गैंडों के संरक्षण हेतु, यानी कि विश्व राइनो दिवस क्यों मनाया जाता है, गैंडों का संरक्षण करने के लिए। और इसके बाद पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक गैंडे असम राज्य में मिलते हैं, यानी कि एक सींग वाला गैंडा जो है भारत में असम राज्य में मिलता है। इसके बाद पॉइंट है, आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम, यानी कि मुगल म्यूजियम का नाम जो है चेंज हो गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। तो ये ध्यान रखें आप, ये आपका यूपी सामान्य ज्ञान के हिसाब से बहुत ज़्यादा मोस्टमेंट पॉइंट है, ये आपको 100% पेपर में मिलेगा क्वेश्चन आपको। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजिक या म्यूजियम का जो नाम है आपका चेंज हो गया है, इसका नाम चेंज होकर रखा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, ये ध्यान रखा आप, ये पॉइंट आपका मोस्टमेंट ज़्यादा है। इसके बाद पॉइंट है, बिहार में एक और अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दरभंगा में स्थापित किया जाएगा, यानी कि अभी हाल ही में अखिल भारत यानी कि अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान अभी हाल ही में ये केंद्र सरकार ने पास किया है इसको, और यह बिहार के दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। तो इन सभी पॉइंटों को एक बार रिपीट कर लेते हैं, विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर 2020 को मनाया गया था, और गैंडों के संरक्षण से संबंधित है ये, और भारत में सर्वाधिक गैंडे असम राज्य में मिलते हैं। और इसके बाद पॉइंट है, आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजिक का नाम, ये म्यूजिक आपका हो गया, इसमें आप ध्यान रखना है कि ये आपका म्यूजियम है, मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर हो गया है। और इसके बाद है पॉइंट आपका, बिहार में एक और अखिल भारतीय यानी कि अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान, अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो है दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। ये सभी पॉइंट आपके कॉम्पिटिशन में पूछे जाएंगे यहाँ से आपके, और इसलिए आप जो हैं, अगर आपको वीडियो एक बार में समय में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना ना भूलें आप लोग इस वीडियो को।
तो इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट। तो आपके सामने लिखा हुआ है महान क्रांतिकारी भगत सिंह के, यानी कि भगत सिंह की 113वीं जयंती मनाई गई, यानी कि अभी हाल ही में 2020 में महान क्रांतिकारी भगत सिंह की 113वीं जयंती मनाई गई है। और भगत सिंह का जो जन्म है 28 सितंबर 1907 को हुआ था। इसके बाद पॉइंट आपका विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2020 को मनाया गया था, और विश्व पर्यटन दिवस की थीम है आपकी पर्यटन और ग्रामीण विकास। ये सभी थीम जो है आपकी, जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं यहाँ से आपको ये क्वेश्चन 100% मिलना है, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2020 को मनाया गया था और इसकी थीम है पर्यटन और ग्रामीण विकास। इसके बाद पॉइंट है बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए भारत ने श्रीलंका को $15 मिलियन की सहायता देने का ऐलान किया है, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे। ये भी आप ध्यान रखें कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं, महिंद्रा राजपक्षे हैं। तो इन सभी पॉइंटों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। महान क्रांतिकारी भगत सिंह की 113वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है, और भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 2000 यानी कि 28 सितंबर 1907 को हुआ था। और इसके बाद है पॉइंट आपका विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2020 को मनाया गया था, और इसकी थीम है आपकी पर्यटन और ग्रामीण विकास। इसके बाद पॉइंट है बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए भारत ने श्रीलंका को $15 मिलियन की सहायता देने का ऐलान किया है, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे हम आगे भी और नए नए पॉइंट लेकर आएंगे आपके लिए करंट अफेयर्स के, और इसी चैनल के माध्यम से आगे चल के आपको और भी काफ़ी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट। तो आपके सामने लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को, और 2020 की थीम है आपकी सांकेतिक भाषा हर एक के लिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो मनाया गया 2020 में, इसका जो थीम है आपकी यानी कि सांकेतिक भाषा हर एक के लिए है। और इसके बाद पॉइंट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए फिनलैंड के साथ समझौता किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि विज्ञान या भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए फिनलैंड के साथ समझौता किया है। इसके बाद पॉइंट है मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है, और इसी के पॉइंट लिखे हैं आपके सामने। पहला पॉइंट है इसमें नमामि गंगे मिशन के तहत किया गया, यानी कि नमामि गंगे मिशन के तहत जो उद्घाटन किया गया है वह किसका किया गया है, मेगा प्रोजेक्ट का। और इसका पॉइंट है आपका नीचे लिखा हुआ आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और इसके बाद पॉइंट है उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इसको हम रिपीट कर लेते हैं सभी पॉइंटों को। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया, और इसकी थीम है आपकी सांकेतिक भाषा
हर एक के लिए। और इसके बाद पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज के संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए फिनलैंड के साथ में समझौता किया है। और इसके बाद पॉइंट है, मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। और इसमें लिखा है कि नमामि गंगे मिशन के तहत किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। और इसके बाद पॉइंट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। तो ये सभी पॉइंट आपके कॉम्पिटिशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा मोस्टमेंट हैं। आप इन सभी पॉइंटों को अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं और इसी चैनल के माध्यम से मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। आप लोग पुरानी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स की वीडियो में देख सकते हैं और आगे भी हम आपके लिए नई नई वीडियो प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। इसलिए जो लोग कैंडिडेट नहीं हों हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आगे भी हम नई नई प्रकार की वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।